हेलो फ्रेंड्स, वेलकमिंग टू यू कण्वा गुरुकुल यूट्यूब चैनल। रेगुलरली आई विल मीट टू यू थ्रू दिस ऑनलाइन मीडिया। स्टैंडर्ड 7, सब्जेक्ट संस्कृत। आई एम जगदीश त्रिवेदी। टुडे we are learning lesson number 5. The title is yojakah tatra dullabah. It is difficult to get an administrator there. Part 1, start. Introduction. Every living creature has some fault, but every creature has some virtue also. We should always think only about the good qualities of a person. This truth has been explained in this chapter. A conversation between a camel and other wild animals. बचपन में बच्चों आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। ऐसी एक कहानी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। कहानी में एक ऊंट था, कैमल। अब उनके पूरे शरीर के सभी भागों में, देखिए आप देख सकते हो कि सभी भागे में कुछ न कुछ गड़बड़, यानी कुछ न कुछ चीज ऐसी है, अंग ऐसे है कि टेढ़े मेढ़े, सभी अंग टेढ़े मेढ़े हैं। और उसके सभी अंग टेढ़े मेढ़े होने के कारण उसे लगता है कि मुझसे ज़्यादा दूसरे पशु पंखियों में टेढ़ापन होगा और मैं सबसे अच्छा हूँ। कहीं भी अपने देखते हैं, जहाँ भी अपने देखते हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि हमारे में जो अवगुण है, तो वो अवगुण से ज़्यादा अवगुण दूसरे लोगों में है, ऐसा हम सोचते हैं। और हमारे अवगुण तो हमारे गुण है और दूसरे के गुण है ये वो उनके अवगुण है, ऐसा मानते हैं। यहाँ ऊँट भी ऐसा मानकर अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में जी रहा है। सभी चीज, सभी अंग टेढ़े मेढ़े हैं, फिर भी उसको अपना टेढ़ा मेढ़ापन शरीर का दिखता नहीं है। और इसलिए एक बार, क्योंकि स्वभाव से ही उनका स्वभाव है खुद का दोष नहीं देखना और दूसरों का दोष देखना, वही उनका स्वभाव है। इस स्वभाव से वो जिंदगी जी रहा है और इसी स्वभाव के कारण एक दिन यह ऊँट घूमते घामते जंगल की ओर गया। और जंगल की ओर जाते ही थोड़ा आगे बढ़ा तो जंगल में एक पेड़ पर एक तोता बैठा था। तोता को देखकर, उसके सामने देखकर कहने लगा, अरे ओ तोता भाई, आपकी तो चांच बड़ी टेढ़ी है, इससे आपको क्या लज्जा नहीं आती है? ऐसा कहकर वो खुद जैसे शर्मिंदा हो गया है। ऐसी शर्मिंदा होने के कारण मैं आपके सामने कैसे देखूं, ऐसा कहकर
हंसते हंसते आगे की ओर चला। जंगल में थोड़ा ही आगे बढ़ा तो आगे बढ़ते ही रास्ते में एक कुत्ते को देख लिया। कुत्ते को देखकर ये ऊंट कुत्ते को कहने लगा, अरे कुत्ता भाई, आपकी तो पूंछ टेढ़ी मेढ़ी है, क्या आपको शर्म नहीं आती? आपकी पूंछ टेढ़ी मेढ़ी है तो आपकी टेढ़ी मेढ़ी पूंछ देखकर मुझे लज्जा आ रही है, क्या आपको लज्जा नहीं आती? ऐसा कहने के बाद उनके सामने से हंसते हुए आगे की ओर चला। आगे जा रहा था तो रास्ते में एक बगुला मिल गए, बगुला देखा, और बगुले को देखकर तुरंत बगुले के पास जाकर फिर से वही चीज दोहराने लगा। ऊंट ने कहा, अरे बगुले भाई, क्या आपकी जो डोक है ग्रीवा, आपकी डोक को देखकर मुझे लज्जा आ रही है, क्योंकि आपकी डोक टेढ़ी मेढ़ी है, ये टेढ़ी मेढ़ी देखकर मुझे बहुत शर्मिंदा, मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ, क्या आपको लज्जा नहीं आ रही? ऐसा कहने के बाद बगुले ने ऊंट के सामने देखा और मन ही मन कहने लगा, मेरी तो एक ही चीज केवल, मेरी तो डोक केवल टेढ़ी मेढ़ी है, क्या आपका टेढ़ा मेढ़ापन दिखता नहीं है? ऐसा मन ही मन सोच रहा था और हंसकर ऊंट वहीं से मार्ग की ओर आगे बढ़ा। आगे जाने के बाद उसको एक लोमड़ी मिली और लोमड़ी खरगोश को देखकर, सॉरी खरगोश मिला। खरगोश को देखकर उसके सामने भी जाकर यही चीज, आगे आगे जिन जिन के पास जो चीज दोहराई थी उसी चीज इसके पास भी जाकर दोहराई। और उस समय उसको लगा कि क्या मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ? ऐसा कहकर खरगोश के सामने ऐसा बोलकर जब आगे जा रहा था तब खरगोश ने कहा, अरे भैया, आप सबको कुछ न कुछ कहते चले जा रहे हो पर आपको खुद को पता नहीं है, हमारे सबके पास कोई ना कोई एक चीज टेढ़ी मेढ़ी है, बल्कि आपके पास तो शरीर के 18 के 18 अंग टेढ़े मेढ़े हैं, तो आपके टेढ़े मेढ़ेपन को देखकर मन ही मन मुस्कुराओ मत, आपके टेढ़ेपन पर लज्जा का अनुभव कीजिए। ये कहानी जो है बचपन में आपने पढ़ी थी, यही कहानी का दौर यहीं पर दिया है। तो प्लीज़ ओपन टेक्स्ट बुक एंड अटेंटिवली लिसन, फर्स्ट वन बाय वन पैरा, रीड वन बाय वन पैरा, आफ्टर आई डू ट्रांसलेशन। तो पेज नंबर 13, पैरा नंबर फर्स्ट, एक उष्ट अस्ति, देर इज ए कैमल, उष्ट स्वभावेन वक्र अस्ति, बाय नेचर द कैमल इज क्रॉकड, स सर्वदा दोष एव पश्यति, इट ऑलवेज सीज ओनली द फॉल्ट्स, पश्यति ए वर्बल फॉर्म, दुष्प्रश्य धातु, दुष इन मेन रूट है और पश्य ए ऑर्डर है, पश्य ऑर्डर के आधार पर ये पश्यति, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर परस्मै पदा का ये रूप है। तो सर्वदा दोष एव पश्यति, इट ऑलवेज सी ओनली द फॉल्ट्स, एकदा सह वने अटति, वंस इट इज रोमिंग अबाउट
इन द जंगल मार्गे सवृक्षस्य उपरि एक शुक पश्यति। ऑन द वे इट सीज ए पैरोट ऑन ए ट्री। उष्ट शुकाय कथयति। द कैमल सेज टू द पैरोट, हे शुक तव चंचु वक्रा अस्ति। ओ पैरोट, योर बीक इज क्रॉकड। शुक लज्जाम अनुभवति। द पैरोट फील्स असेम्ड। उष्ट हस्ती अग्रे चलती। द कैमल लाफ्स एंड गोज फॉरवर्ड। पैरा नंबर सेकंड इज ओवर। आगे अब क्या होता है वो देखेंगे पार्ट नंबर सेकंड में। आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़कर इनकी ग्लोसरी लेसन पार्ट में लिखना है और पैरा नंबर 1 एंड 2 यानी फर्स्ट एंड सेकंड पैरा ट्रांसलेशन आपकी रफ कॉपी में करना है। आगे पार्ट सेकंड में आगे क्या होता है देखेंगे। गुड डे, गुड बाय, जय स्वामी नारायण।